मशहूरी पावर स्टार पवन सिंह और सलमान खान की दुश्मनी जग जाहिर है। वैसे इसे हम दुश्मनी सिर्फ बॉक्स ऑफिस के हिसाब से कह सकते हैं, क्योंकि कहा सलमान खान और कहा पवन सिंह, सलमान खान की फिल्में ऑल ओवर वर्ल्ड देखी जाती हैं, लेकिन पवन सिंह की फिल्में यूपी, बिहार, झारखंड, गुजरात, मुंबई जैसे ऐसे शहरों में देखी जाती है जहां उत्तर भारतीय लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी इस भोजपुरिया सुपरस्टार पवन सिंह ने क्यों सलमान खान के नाक में पूरे 4 साल से दम किए हुए हैं? जी हाँ, जब भी ईद के मौके पर सलमान खान कोई फिल्म रिलीज करते हैं तब अपना ये भोजपुरिया बाकी छोरा अपनी फिल्म भी लेकर आ जाता है, और पर्टिकुलर ईद के मौके पर ही वो भी यूपी, बिहार और झारखंड में अपनी फिल्में रिलीज करता है और बड़ी दबंगई से वो वहाँ की फिल्मों का सुपरस्टार भी है। जी हाँ, हर बार ईद के मौके पर सलमान खान की फिल्मों को टक्कर देने पहुंच जाती है सिनेमा घरों में पवन सिंह की फिल्में। जी हाँ, पवन सिंह भोजपुरिया सुपरस्टारों में एक बहुत ही बड़ा नाम है और पवन सिंह की एक इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, वो फैन फॉलोइंग यूपी बिहार में सलमान खान की फिल्मों को तवज्जो ही नहीं देती। जी हाँ, इस बार भी ऐसा हुआ, मैंने उनको सजन चुन लिया और सलमान खान की फिल्म भारत की टक्कर हुई, बट ऑब्वियस यहाँ पर जीती तो पवन सिंह की फिल्म। ये बात कई दिनों तक मीडिया की सुर्खियां बनी रही कि पवन सिंह की फिल्म भारी पड़ चुकी है सलमान खान की फिल्म भारत पर, और ये कोई पहला मौका नहीं है जब पवन सिंह की फिल्म सलमान खान की फिल्मों पर भारी पड़ी हो। हम आपको ऐसे 3 साल के ट्रैक रिकॉर्ड दिखा सकते हैं जहां पर पवन सिंह ने ही बाजी मारी है और सलमान खान मुंह ताकते रह गए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं 2016 और उसी मौके पर रिलीज हुई थी ईद के मौके पर सुल्तान। सुल्तान ने ऑल ओवर बिजनेस बहुत अच्छा किया था, लेकिन यूपी बिहार में फिसड्डी साबित हुई, क्योंकि वहां तो गदर ने धूम मचाई हुई थी। और फिर आता है एक और साल और पलटती है तारीखें, लेकिन आपको बता दे कि त्योहार वही है, बस बदले हैं तो साल। और 2017 में धड़कन रिलीज होती है और धड़कन के अपोजिट रिलीज होती है ट्यूबलाइट। जी हाँ, ट्यूबलाइट तो आपको पता है पूरे इंडिया में ही ट्यूबलाइट की रोशनी नहीं जली तो यूपी और बिहार में कहाँ से जलेगी। और इस बार भी अपने पवन सिंह ने बाजी मारी, उनकी फिल्म धड़कन ने जो धड़कना चालू किया उसका मीटर डाउन काफ़ी हफ्तों तक नहीं हुआ। इस फिल्म ने पवन सिंह को असली में भोजपुरिया का पावर स्टार बना दिया। 2018 में पवन सिंह फिर ईद के मौके पर पवन सिंह टकराने आ गए सलमान खान से। सलमान खान की रेस 3 रिलीज हुई और पवन सिंह की रिलीज हुई वांटेड। जी हाँ, वांटेड 2018 की सबसे बेहतरीन फिल्मों में और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। आपको बता दें कि YouTube पर वांटेड के गाने आज भी राज कर रहे हैं। वॉन्टेड के एक्शन को देखकर भोजपुरिया सुपरस्टार को पावर स्टार का दर्जा दिया गया। यहाँ भी रेस 3 फिसड्डी साबित हुई और पवन सिंह की फिल्म वॉन्टेड ने बाजी मार ली। अब आ गया 2019 का साल, मैंने उनको सजन चुन लिया और भारत के बीच कड़ा कंपटीशन, और अब तो ये कंपटीशन सभी के सामने है कि भारत ने इतनी भी अच्छी ओपनिंग नहीं ली यूपी बिहार में जितनी पवन सिंह की फिल्मों ने ओपनिंग ली, और इस फिल्म को सुपरहिट करार दिया गया है। यहाँ आप कह सकते हैं कि बॉलीवुड में कितने भी बड़े सुपरस्टार की फिल्म ईद के मौके पर, या यूं कह ले बगैर ईद के मौके पर पवन सिंह से टकराएगी तो उसका अंजाम इसी कदर होगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।